नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में सभी का दिल से स्वागत है। और आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी मौजूदा परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, अपने सारे सपने ड्रीम्स पूरे करना चाहते हैं और कुछ हटके करना चाहते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है बिजनेस ट्रेंड और आने वाली नेक्स्ट ट्रिलियन इंडस्ट्री। तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से अगर आपने देख लिया तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। '46 से लेकर 1964, इन 20 सालों में बर्थ रेट में बढ़ोतरी हुई और इन 20 सालों में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा हुए और वो फिगर है 77.3 मिलियन। और इधर से ही बिजनेस ट्रेंड स्टार्ट हुआ 1950 से लेकर 1960। इन 10 सालों में बेबी फूड्स एंड डायपर्स का बिजनेस स्टार्ट हुआ और फिर बिजनेस ट्रेंड चेंज हुआ 1960 से लेकर 1970। टॉयज स्कूल एंड कॉलेज का ज़माना आया। फिर ट्रेंड चेंज हुआ 1970 से लेकर 1980, रियल इस्टेट का ज़माना आया। और उन 10 सालों में जिन जिन लोगों ने रियल इस्टेट का बिजनेस स्टार्ट किया आज वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। अगर आज हम रियल इस्टेट का बिजनेस करने जाएंगे तो डाला हुआ भी पैसा निकलना मुश्किल है। फिर ट्रेंड चेंज हुआ 1980 से लेके 1990, इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना आया। और फिर ट्रेंड चेंज हुआ 1990 से लेके 2000, ये कंप्यूटर ज़माना आया। और फिर ट्रेंड चेंज हुआ 2000 साल से लेके 2010 में इंटरनेट का ज़माना आया। वर्ल्ड के मशहूर बिजनेस फिलोसोफर पॉल जैन पिल्जर, इन्होंने 1980 में एक बुक लिखी थी अनलिमिटेड वेल्थ। मैंने जानता कि आप में से कितने लोगों ने ये बुक पढ़ी होगी। उन्होंने इस बुक में बताया कि आने वाले 20 साल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में बूम होने वाला है। इस वर्ल्ड में हेनरी फोर्ड, जिन्होंने कार का आविष्कार 1908 में किया था, मोटर इंडस्ट्री को 1 ट्रिलियन बिजनेस करने के लिए 70 साल लगे थे। और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये 10 साल में 2nd ट्रिलियन इंडस्ट्री बनी। पॉल जैन पिल्जर, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मल्टी मिलियनेयर एंटरप्रेन्योर है, ऑथर ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक एंड इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ 2 US प्रेसिडेंट। अभी उन्होंने लेटेस्ट बुक लिखी है द वेलनेस रिवॉल्यूशन, मतलब स्वास्थ्य का व्यापार। ये आने वाले 5 साल में ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने जा रही है। ये इंडस्ट्री बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। मार्केट में 2 इंडस्ट्री है, एक इनलेस और दूसरी है वेलनेस। इनलेस में आता है हॉस्पिटल, मेडिकल्स एंड डॉक्टर्स, और वेलनेस में आता है स्पा, ब्यूटिशन, जिम, योगा, वेलनेस कोच, पर्सनल कोच एंड डाइटिशन एंड ऑल न्यूट्रिशन। अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो 10 साल पहले लोग इतना हेल्थ के बारे में अवेयरनेस नहीं थे जितना आज है। और लोगों की बेसिक नीड है रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन आज ये ट्रेंड चेंज हो चुका है, अभी लोगों की बेसिक नीड है न्यूट्रिशन एंड फिटनेस। चलो दोस्तों, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। आपके पास 2 रास्ते हैं, एक है इनलेस और दूसरा है वेलनेस, आप किधर जाना पसंद करोगे? ऑफकोर्स वेलनेस, मतलब हेल्थ एंड फिटनेस। तो आप इस ट्रेंड को समझ चुके हो। और पॉल जैन पिल्जर ने कहा है कि हेल्थ, वेलनेस एंड न्यूट्रिशन आने वाले 5 साल में 10 मिलियन न्यू मिलियनर्स बनाने जा रही है और आप इसी का हिस्सा बन सकते हो। अगर इस अपॉर्चुनिटी को भी आप मिस करते हो तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट में और कौन सी दूसरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। छोटा सा मेरा स्टोरी बताना चाहूँगा। मेरा नाम संतोष माली है और 8 साल से मैं वर्ल्ड के नंबर 1 वेलनेस इंडस्ट्री में इंडिपेंडेंटली सक्सेसफुल वर्क फ्रॉम होम, घर से काम कर रहा हूँ। और 8 साल पहले मेरा एक कपड़े का बिजनेस था और वो बिजनेस मैंने बंद करके मैंने ये ट्रेंड 8 साल पहले समझ लिया और मैंने इस वेलनेस इंडस्ट्री में मैंने कन्वर्ट कर लिया। मेरा एजुकेशन 7th स्टैंडर्ड मराठी मीडियम से मैं फेल हूँ और मैं लक वगैरह कुछ नहीं जानता। मुझे इतना ही पता है राइट टाइम राइट अपॉर्चुनिटी जो ग्रैब करता है उसी को मैं लक बोलता हूँ। और वॉरेन बफेट का एक कहना है कि हम ऐसा व्यापार चुने
जिसमें 5-6 साल 7 साल मेहनत करें और उसके बाद में हम रिटायरमेंट भी ले तो मरते दम तक पैसा आते रहना चाहिए। अगर ऐसा व्यापार हमने अगर नहीं चुना तो हमें मरते दम तक काम करना पड़ेगा। और आप इस ट्रेंड को समझ चुके होंगे, इसके बारे में और भी जानकारी आप ले सकते हो और अपनी मौजूदा परिस्थिति को बदल सकते हो। तो ये इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस मत करिए और थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।